शिवाना की सत्ता संकल्प यात्रा की सभा के अंदर उपस्थित भोपालगढ़ के विधायक पुखराजी गर्ग साहब, मेड़ता के विधायक महेंद्र बावरी जी, किसान नेता और 18 में शिवाना से प्रत्याशी रहे सताराम जी देवासी, भाई जोधाराम जी पटेल, रामचंद्र जी पटेल, छोटे भाई थान सिंह राजपुरोहित, पुखराज जी सुतार, उमेश जी, भूमिचंद जी जैन साहब, प्रताप जी आंजना, महेंद्र दमामी, तेजपाल राजपुरोहित, अर्जुन दर्जी, हरदाराम जी पटेल, प्रिया सिंह मेघवाल, दादा चौधरी, हो गए सारे ठीक, बाकी और ले लूंगा अगले मीटिंग में नाम, ठीक है। सम्मानित मंच, एक मेरे आरएलपी की चारपाई बनाने वाले पावड़ा जी, बारमल जी पावड़ा, वो चारपाई बहुत चली थी इसके अंदर आपकी, और आप गए चाय पिएंगे अगली बात चलेंगे जब, मगर राम जी बेनीवाल, पांच साल जोरदार जयकारे लगाए, आशापुरा माता जी की, मनसाराम जी महाराज की, राजा राम जी महाराज की, खेतेश्वर भगवान की, जतेश्वर भगवान की, राम साहब पीर की, तेजा जी महाराज की। अब कुछ शिवाना की प्रमुख समस्या, पहले तो मैं आपको उस दिन रात का हमारा कार्यक्रम था शिवाना आने का, बहुत लेट हो गए और हमें लगातार ये समाचार मिले कि लोग इंतजार तो करें लेकिन बहुत परेशान है। मेरी इच्छा थी कि मैं दिन के अंदर शिवाना में कार्यक्रम करूं, आप सबके दर्शन करूं, इसलिए आज का दिन स्पेशल शिवाना के लिए रखा। 10 बजे का टाइम दिया, मुझे पता था कि गांव से आने से 1-2 घंटा आप लोग लेट हो जाओगे। आपने ऐतिहासिक सभा का आयोजन किया और उस दिन मैं नहीं आ पाया, उसका कारण आपको पता है, एक व्यक्ति है, लंबा सफर, हर जगह स्वागत सत्कार, आपका प्यार प्रेम आशीर्वाद, चलते चलते समय लग जाता है, लेकिन शिवाना मेरे दिल के अंदर है, इसे दोबारा स्पेशल प्रोग्राम बना के शिवाना के अंदर आया हूं। सर्व समाज की मांग पर कुछ शिवाना की प्रमुख समस्याएं, कुछ यहाँ के ब्लाइंड मर्डर जो कत्ल हुए आज तक नहीं खुले, मैं आपको आश्वस्त करता हूं स्पेशल टीमों का गठन 1-2 दिन में करवा के, मिठोड़ा के पूर्व सरपंच आप सिंह जी राजपूत की जो हत्या हुई इसका खुलासा करवाएंगे, थे कुछ भी करना पड़े हमारे को। गवड़ी कौन था, मवड़ी कौन था गांव, मवड़ी गांव में माँ बेटे की, ये कौन से समाज के थे, राजपूत समाज के, जो हत्या हुई उसका खुलासा नहीं हुआ, एक साथ ही करवा देंगे, आपके सारी टीम भी करवा देंगे, नार्को टेस्ट कराएंगे सब लोगों का जो जो संदिग्ध है, और उसके अंदर कोई कोई रास्ता निकल जाए, पुलिस वाले खड़े जानते हैं कि नार्को से करीब करीब निकल जाता है कि उसके अंदर लास्ट नार्को ही बचता है। समदड़ी में जितने भी आपके समदड़ी शिवाना सिंदरी में अपराध हुए पिछले दिनों में, अगर ब्लाइंड है कोई नहीं खुल रहा है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसी सरकार से खुलाएंगे, और ये सरकार जा रही है, हम आ रहे हैं, चिंता मत करो, 24 घंटे में खुलवा देंगे, ये भी तय है, कोई बाकी नहीं रहेगा, मर्डर होने बंद हो जाएंगे राजस्थान के अंदर, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। समदड़ी में जो पाली से गंदा पानी आ रहा फैक्ट्रियों का, बहुत बड़ी दिक्कत है, इसके समाधान की सरकारें नहीं सोच रही है। आज दुर्भाग्य इस बात का है कि आप एक मांग करते हो सारे सारे कि पीने का पानी लाओ, इंदिरा गांधी नहर का पानी लाओ, कि जहाँ इंदिरा गांधी नहर का पानी आ गया वहां के हालात आपको बता दूं, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, ओसिया इधर भी पहुंचा इंदिरा गांधी, थोड़े से जगह कोई जोधपुर के अंदर आया, लुधियाना की फैक्ट्रियों का गंदा पानी इंदिरा गांधी कैनाल के अंदर डालते हैं, और कैंसर ट्रेन
पंजाब से चल के राजस्थान आती है, उसका नाम है कैंसर ट्रेन। इतना कैंसर हो रहा लोगों को, उसका कारण वो गंदा पानी है। सरकारें आई चली गई लेकिन उस पानी को ठीक नहीं कर सके। वहां हम सब ने प्रयास किया और वहां फिल्टर प्लांट जो लगा है वो छोटी, उसकी जो क्षमता है छोटी, प्रयास करें कि बड़ा प्लांट लगे लुधियाना के अंदर और गंदा पानी राजस्थान के नाल में नहीं पड़े। मैं तो आप शिवाना की बात करें, मैं ये कह रहा हूँ कि इस प्रदेश की आधी आबादी गंदा पानी पीने को मजबूर है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कांग्रेस पार्टी। कौन जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी। कड़ी से कड़ी किसकी जुड़ी? कांग्रेस की। कड़ी से कड़ी बीजेपी की। लगातार लंबा शासन, 25 साल का गठबंधन, यू कह दो कि एक ही मुख्यमंत्री है, चाहे तो वसुंधरा को कह सकते हो 25 साल सीएम रही, चाहे गहलोत को कह सकते हो, क्योंकि दोनों एक है। जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तो वसुंधरा ने मदद करी, और आदमी अपने मन की बात कभी न कभी कहता है, और पिछले दिनों अशोक गहलोत ने बयान दिया कि जब मेरी सरकार सारे मिलकर गिरा रहे थे, मैं वसुंधरा को धन्यवाद दूंगा कि उसने मेरी सरकार बचाई। तो बोल दिया खुद ही, जब खुद ही बोल दिया तो पीछे क्या बचा बताओ? आदमी गलत नहीं बोलता, कभी न कभी इंसान के मुंह से सच बात निकलती। मैं तो हमेशा खिलाफ रहा, आप देखते हो। अब तो कई लोग ये भी आरोप लगाते हैं, जो बीजेपी ज्वाइन करना चाहते, मैं बीजेपी छोड़ चुका, गठबंधन तोड़ चुका। और मैंने गठबंधन यूं ही नहीं तोड़ा, जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, हरियाणा उत्तर प्रदेश दिल्ली के किसानों ने, किसान नेताओं ने मेरे से बात करी, हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, देश का अन्नदाता सड़क पे, बड़ी सादत दे रहे तकलीफ में, आप अगर एनडीए छोड़ दो तो बड़ा मैसेज जाएगा और किसान आंदोलन को नई ऊर्जा मिलेगी। मैंने कहा मेरे एनडीए छोड़ने से अगर किसान कौम का भला होता है तो ये छोड़िए एनडीए, और एनडीए छोड़ के सड़क पर अगर देश का कोई सांसद आया, नागौर का सांसद था, तो किसान कौम के लिए 70 दिन सड़क पर बैठा। अग्निपथ जब सेना को ठेके पर दे दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, कोई एमपी नहीं बोला, आपके एमपी भी है, बगल के एमपी भी है, इधर भी है उधर भी है, चिंता नहीं जवानों की कि हमारे बच्चों का क्या होगा जो सेना में जा रहे हैं। क्या सेना में जाट समाज के बच्चे ही जा रहे हैं? सेना में राजपूत समाज के बच्चे भी जा रहे हैं, गोरखा भी जा रहे हैं, दूसरे हमारे मद्रासी रेजिमेंट, जो जो रेजिमेंट बनी है वो तो जा ही रहे हैं, लेकिन सर्व समाज का नौजवान सेना के अंदर जाता है। और सेना के नाम पे भी अगर अग्निपथ के मामले में नेताओं ने बयान नहीं दिया, उसका विरोध नहीं किया, वो जवानों को धोखा दे रहे, वो आपको धोखा दे रहे और अपने आप को धोखा दे रहे। एक ही व्यक्ति देश के अंदर लड़ रहा है कि अग्निपथ वापस होना चाहिए, लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके ये संदेश दिया, मोदी जी आ रहे हैं दिल्ली की ओर, तैयार हो जाओ भाइयों। परिणाम ये हुआ कि डरी हुई मोदी सरकार ने अग्निवीर पहले 25% रखते थे, अब कह दिया कि आधों को हम रख लेंगे और आधे वापस भेज देंगे। चुनाव से पहले अगर एक हुंकार आपने दिल्ली की भर ली तो अग्निपथ वापस हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 5 जो राज्यों के चुनाव है वो सारे राज्यों में चुनाव हार रही है। ये सेमीफाइनल है, ये सेमीफाइनल अगर हार गई तो फाइनल की हार दिखेगी। ये अग्निपथ तो देश के जवानों का मुद्दा है, जवान जिधर चलता है उधर जमाना चलता है। हमारी सेना ने, थल सेना ने बड़े बड़े देशों को हराया। 62 के अंदर जब चाइना से झगड़ा हुआ था, हमारे हथियार खराब हो गए थे, गोला बारूद खराब हो गया था, वो भूल किसकी थी? नेहरू जी की भूल थी। फिर भी हमारे सैनिक अकेले नियत थे, बिना गोलियों की बंदूक से भी मारपीट करते हुए चाइना को भगाया। भगाया नहीं हुआ, फिल्म देखो आप 62 की, जब चीन वाली पिक्चर देखोगे आपको याद आ जाएगा हमारे नेताओं की वजह से कितनी तकलीफ इस देश ने सही। ये कारगिल की जो लड़ाई थी इसको अपन कारगिल विजय के रूप में जरूर मनाते हैं, लेकिन 2 साल तक घुसपैठ होती रही। कहाँ चली गई इंटेलिजेंस देश की? कहाँ सिस्टम कहाँ चला गया? घुसपैठ ये कैसा है भारत के अंदर? किस तरह हमारी पहाड़ियों के अंदर चढ़ गए, किस तरह कारगिल की ऊंची चोटियों पर चढ़ गए? गलती किसकी थी? दिल्ली की गलती थी, केंद्र की गलती थी। हमने मारा ये सही है, लेकिन हमारे जवानों ने भी जान दी। आज भी भाइयों मोदी को लोगों ने बोल दिया, जब ये लगा था कि पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे कोई किसी को शहादत नहीं देनी पड़ेगी, किसी को सीने पे गोली नहीं खानी पड़ेगी,
लेकिन दुर्भाग्य देखो जितनी सादत यूपीए सरकार में हुई उससे ज्यादा सादत एनडीए सरकार में हो रही है। कहने को तो बयान कुछ भी दे दो, हम ये हो रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, लेकिन कोरोना के अंदर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा अगर आता है तो प्रथम पांच जो देश है उसमें भारत में सबसे ज्यादा मौत हुई, 50 लाख लोग भारत के अंदर मरे। कौन जिम्मेदार है, किसकी सरकार है, मोदी की या गहलोत की? अपन जो लड़ते रहते हैं वो इसमें बयान दे देता है, वो इसमें दे देता है बयान भी। और ये राजस्थान की भाजपा की फौज अलग अलग रथ लेके निकली है, देखो आप जिस तरह महाभारत में योद्धा निकलते थे, कहीं से योद्धा आ रहा है, कहीं से दूसरा आ रहा है। अरे ये बताओ तुम जा कहाँ रहे हो कि सत्ता का स्वयंवर है तो तुम्हारे में तीर चलाना कोई जानता है, तुम जीत जाओगे? नहीं। शादी है साहब, दुल्हन तैयार है, दूल्हा कौन है, 12-13 दूल्हे हो, तोरण कौन मारेगा भाई, ये तो बताओ, तोरण से पहले आधे गायब हो जाओगे। तो ये हालत भारतीय जनता पार्टी की। और कांग्रेस एक रिपीट करने की बात कर रहा है और दूसरा रस्सा लेके खींच रहा, उसको बैठ गया, बोले जाएगा कहाँ, मेरी पहली पूरी व्यवस्था हो रखी है दिल्ली तक से, मैंने तय किया था आने नहीं दूंगा, ये तो कमिटमेंट था, ये बैठा अगला वहीं पे बैठ के पूरा काम कर रहा है। तो भाइयों ये हालात राजस्थान के अंदर, कई मंत्री विधायकों पे लूट बलात्कार भ्रष्टाचार के आरोप लगे, बीजेपी मौन रही, बोली नहीं। कल जिस तरह आदिवासी इलाके के अंदर बच्चों ने सुसाइड किया, पहले इतना थी पुलिस चाहती तो बचा सकती थी, प्रतापगढ़ में जिस तरह निर्वस्त्र करके आदिवासी बहन को घुमाया, मणिपुर के अंदर जिस तरह हिंसा हुई और आदिवासी मणिपुर की महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया, देश शर्मसार हुआ, राजस्थान शर्मसार हुआ। अमित शाह की मीटिंग थी ट्राइबल बेल्ट के अंदर, चाहते तो 100 किलोमीटर दूर उस आदिवासी बहन के घर जा सकते थे, नहीं गए। प्रियंका गांधी आई जो बेटी बचाओ की बात करती है, ये घटना दूसरी जगह होती चली जाती, लेकिन टोंक जयपुर में सभा करके गई, उसको आदिवासी बहन याद नहीं आई जिसको निर्वस्त्र करके घुमाया था। ये हालात इस देश के अंदर है, मिलाजुली का खेल है, मिलाजुली के खेल को खत्म कौन करेगा, आप करोगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो वोट की ताकत आपको दी है, भाइयों सड़क पर टोल देना पड़ता है, थाने में जाओगे थानेदार 2 डंडे मार के भगा देगा आपको, तहसीलदार आपकी तरफ देखता भी नहीं, हर जगह शोषण, कोई इज्जत नहीं आम आदमी की। एमएलए का फोन करके जाओगे तो सम्मान मिलेगा, टोल कर्मी बेइज्जती करेंगे, परिवार के सौ 10-20 रुपए के लिए इज्जत उतार देगा। मैं ये कह रहा हूं जो वोट की ताकत आपके पास है तो उखाड़ फेंको इस व्यवस्था को, इस सिवाना को आजाद करना है। आजाद कैसे करना, देश आजाद 1947 के अंदर हो गया, आजादी का मतलब बीजेपी को हराना है और कांग्रेस को भी हराना है। ये कोई गोचर नहीं है कि जहाँ हर कोई आए चल के चला जाए, कई लोग बाहर से आ रहे हैं कांग्रेस में, कह रहे हैं बाहर से आके जीत के चले जाएंगे, कोई मजाक है? सिवाना के जाए जन में व्यक्ति को वोट देके आपको राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजना है। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि पिछली बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की गिनती 20,000 वोट से शुरू हुई थी, आरएलपी का बोतल का चिन्ह सिवनम 20,000 से शुरू था, लेकिन 5 साल जो हनुमान का संघर्ष था, चाहे बजरी माफिया के खिलाफ, चाहे पेपर लीक के मामले में पेपर माफिया के खिलाफ, भू माफिया पर्यटन माफिया के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, सड़क से सदन तक जो मेरा संघर्ष था, दिल्ली में विपक्षी भूमिका निभा रहा था, मोदी से लड़ रहा था, स्टेट में गहलोत की सरकार से तीनों विधायक लड़ रहे थे, भाइयों 30,000 वोट से आरएलपी की गिनती शुरू होगी, 30,000 वोट से, अब 30,000 से शुरू होगी, अब 30,000 वोट कोई दूसरा लेके आएगा, सताराम जी बैठे हैं, पुखराज जी गर्ग आपके नौकरी सिवाना के अंदर खूब किए हुए, मैं पुखराज जी की ड्यूटी लगा देता हूँ, सताराम जी से बात भी करेंगे। और हमें एक ही चीज का ध्यान रखना कि सिंबल जिसको मिलेगा, चिन्ह जो लेके आएगा उसका साथ देना, टिकट एक है, दावेदार अभी तो 3-4 ये मंच पे 3-4 बैठे हैं, आने वाले 15 दिन बाद देखना कि 25 दावेदार आरएलपी में सिवाना से होंगे, 25 को तो टिकट नहीं दे सकता, आपकी ड्यूटी है कि जीते कौन, अगर 1,000 वोट से भी हार जाए तो हरा हुआ को जीता हुआ नहीं माना जाता, लोकतंत्र के अंदर जीत देखी जाती है, जिताऊ टिकाऊ, जीत के जाए और हमेशा तोड़ के ले जाए, क्या फायदा है आरएलपी जीतने का बताओ मुझे, तो तोड़ने के लिए तो अभी से षड्यंत्र रचने लगे। भाइयों जीताओ के साथ टिकाऊ,
सताराम जी को ड्यूटी लगा रहा हूँ, पुखराज जी से बात करेंगे। और हाँ, हो सकता है कोई आदमी अपने को मन से पसंद आए अच्छा हो, लेकिन पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक किसको ज्यादा वोट करना चाहती है। अलग से सब लोगों को सर्वे भी कराएंगे, आप सब तय करके मुझे बता देना, मुझे टिकट देना है, टिकट दे दूंगा, एक हेलीकॉप्टर से मीटिंग कर दूंगा, एक ही कर पाऊंगा चुनाव, लंबा चौड़ा समय है, पता पूरा राजस्थान है, और मेरी पूरी ताकत इस शिवाना के चुनाव में लगा दूंगा। हिम्मत रही कांग्रेस और बीजेपी की कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के किसी कार्यकर्ता की तरफ आंख उठा के भी देख ले, इतना विश्वास में शिवाना के अंदर आपको दिला के जा रहा हूं। भाइयों, इस राजस्थान में अगर जातिवाद को खत्म किया, हनुमान बेनीवाल ने खत्म किया, आप देखिए हर समाज अपनी ताकत दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अभी देवासी समाज का बड़ा सम्मेलन हुआ जोधपुर में, मैं तो चाहता था जयपुर में करते, लेकिन आपने जोधपुर में किया, और इतनी वो जिस तरह देवासी समाज के परिधान के अंदर लोग आए, और ऐसी रील सोशल मीडिया पर चली कि उस संख्या दिख रही थी, पर वास्तव में हिंदुस्तान की संस्कृति जिंदा आज वो देवासी समाज ने दिखाई। अन्य कई समाजों को जोधपुर में हुए और 15-20 समाजों को जयपुर में हुए। मेरा काम इतना ही है सबको जगाना, और देखो मैं आपको बता दूंगा, हमारा काम तो रहेगा ज्यादातर वोट डालना। हमारे समाज की संख्या जहां 20-30-40-50 हजार है, वहां तो ज्यादातर वोट डालने का ही काम था। हम चाहते हैं कि दूसरे बराबर के समाज को विधायक बनने का अधिकार मिले। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अगर आपके MLA नहीं है, MP नहीं है, मंत्री नहीं है, अधिकारी नहीं है, कोई नहीं पूछता उन जातियों को। भाइयों, उन जातियों की पूछ होती है जिनके नेता सबसे ज्यादा होते हैं, और नेता बनाने के अगर फैक्ट्री है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। मंच पर देख लें, हर जाति का नेता बैठा है और हर नेता नौजवान है। मैं था बीजेपी के अंदर, मेरे पिताजी पहले हमारे समाज के अंदर, जिले के अंदर बीजेपी के अंदर थे। दुर्भाग्य से देखो उस पार्टी के अंदर हमें कभी कुछ नहीं मिला सिवाय संघर्ष के, या तो भ्रष्टाचारी होकर उनके साथ काम कर लेते, और भ्रष्टाचार की देवी का विरोध करके बाहर आए हम लोग। तब मैं देखता था जब प्रधानमंत्री आता था, कोई रैली होती थी, हमारा तो नंबर नहीं आता था आसपास। और आज देखिए कि ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा हुई कि 5-5 लाख की रैलियों में ये सारे किसान के बेटे जो मंच पे बैठे हैं, ये 15-15 मिनट भाषण देते हैं। ये हनुमान बेनीवाल जिसने आपको झंडा दिया, ये यूपी हरियाणा के जो झंडे पहले आते थे वो ठग आते थे, झंडा यहाँ दे जाते, झंडा ले जाते थे और डंडा पीछे छोड़ जाते थे। मैंने झंडा भी दिया, डंडा भी दिया, ये बोतल का चिन्ह जो छीन लिया था लोकसभा चुनाव के अंदर, ये वापस लेके आया, मेरे भाइयों को दिया है। जिस तरह बोतल का जल स्वच्छ पारदर्शी है, इसी तरह का प्रशासन मैं राजस्थान की जनता को दूंगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। मैं इतना ही विश्वास दिला सकता हूँ, बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान होगा। किसी अबला की चीख पुकार राजस्थान के अंदर नहीं होगी। अगर RLP की सरकार बनी और अपराध हो गया तो अपराधी को पैदल मार्च 1-2 बार इतने बड़े निकलवाऊंगा, उसके बाद अपराधी अपना भाग जाएंगे। भाई उत्तर प्रदेश के अंदर आप नहीं देख रहे, मैं कोई यूपी सरकार की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, कुछ खामियां कमियां है उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर कि वो जाति देख के टारगेट करते हैं। एनकाउंटर एक लिस्ट बना रखी है कि इन इन जातियों का एनकाउंटर करना है। अगर 2-4-5 वो जातियां जो बीजेपी को पसंद है उन जातियों में एनकाउंटर नहीं करते, ये उनकी कमी है। अगर इसमें सुधार कर ले, वो इतना अच्छा कर ले कि अपराधी अपराधी है, अपराधी की कोई जाति नहीं, बहुत बड़ी बात है। और जो बहुत हार्डकोर लोग हैं उनका इलाज ही एनकाउंटर। मैं राजस्थान के अंदर हमेशा मांग करता हूँ कि एनकाउंटर होने चाहिए अपराधियों के, जो दरिंदगी करे, बच्चों के साथ रेप की घटना करे, बच्चों के साथ करे, चार मर्डर एक साथ करते, ऐसे लोगों को क्या काम करो, क्या पूजा करोगे जेल के अंदर ले जाके? जेल में सरकार का आटा खिलाओ, रोटी खिलाओ, इनको रोज रखो, इनकी सिक्योरिटी, किस चीज की सिक्योरिटी? सारे अपराधियों को एक दिन इकट्ठे कर लो, कह दो 1 घंटे अंदर मंदिर में अपना मर जाएंगे, एक दूसरे को मार लेंगे, सारा टंटा कट जाएगा। तो इसके लिए मजबूत सरकार की आवश्यकता है। सरकार मजबूत कौन देगा? आप लोग दोगे। आप तो मुझे इतना विश्वास दिलाओ कि शिवाना की सीट अगर RLP को मिल जाती है तो 115 सीट RLP की आएगी। क्या दे दोगे क्या शिवाना? मेरे को जोश कम लग रहा है। क्या शिवाना के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जीता दोगे क्या? अबकी बार थोड़ा टक्कर में तो आएंगे एकदम से ना। मैं 1-2 बार और आऊंगा चुनाव से पहले, और जोश भरूंगा आपके अंदर,
और आज मैंने सताराम जी का जो जोश देखा, उनकी बात सुनी, एक एक बात को गिन के गांठ बांधो, आप समझदार बन जाओ। कब बनोगे बताओ मुझे? 70 साल में नहीं बने, 75 में नहीं बने, तो उसके बाद फिर जैसे कोविड में चले गए लोग, फिर पता नहीं कौन सी कोई बीमारी आए। अगर हम हमारे कौम का, किसान का और प्रदेश का भला नहीं कर पाए तो ये जीवन बेकार है। एक व्यक्ति निकला इस प्रदेश में, बड़े से बड़े नेता थे बाढ़ में, जोधपुर, नागौर, शेखावटी, मेरे समाज के बड़े से बड़े नेता हुए, काम क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। लड़ाई लड़ी थी तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की, या तो अपने बच्चों को तैयार किया, या बेटे की बहुओं को लाए राजनीति में, भतीजे भांजों को लाए, खुद कमजोर पड़े और समाजों को कमजोर पटक दिया, किसान कौम को कमजोर पटक दिया। अगर यहाँ 60-70 साल पहले सिंचाई का पानी आ जाता, नेताओं की सोच होती, तो पता नहीं छिवड़ा कहाँ आगे चला जाता। यहाँ की हमारी बहन बेटियां, बच्चे इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी पढ़ने के लिए जाते, दुर्भाग्य से हमें मरने के लिए छोड़ दिया, अंदर एक कुएं में धकेल दिया कि जाओ, जो होना हो जाएगा। भाई ये सारी बातें उनको पता कि आप भूल जाते हो, याद नहीं रखते। नई बात 9 दिन, ये कहते हैं नई बात 9 दिन रहती है, तो हमें नई बात अब 2 महीने तक रखनी। कौन सी बात हुई थी 75 साल आपके साथ, इसका हिसाब किताब लेना है। हमें आरएलपी को मजबूती देनी है, इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ। सर्व समाज को साथ लेके चलूंगा, आप सबके बच्चे आगे बढ़े, आप आगे बढ़ो, खूब रोजगार मिले, खूब फलो फलो, और जवानों को विशेष रूप से नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है, और जातिवाद वही करना है कि अपनी जाति के साथ अन्याय हो तब उठ खड़े हो जाओ, लेकिन किसी जाति का हक मारने के लिए किसी पे अटैक मत करो। ये लोकतंत्र के अंदर कोई आपको अधिकार नहीं देता, ऐसा जातिवादी व्यक्ति को नहीं बनाती है। आप सबने मान सम्मान स्वागत सत्कार किया, दोबारा आपके बीच उपस्थित होगा। पूरी टीम को, कार्यकारिणी को समस्त, अगर कोई वक्ता भाषण देने से रह गए, उनकी मेरी तरफ से उन सबका ही भाषण मान लो मैंने दे दिया सबकी तरफ से, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे और राजस्थान की व्यवस्था को बदल देंगे, भ्रष्टाचारी नेताओं को, सलाखों को पीछे डालेंगे, और आम आदमी, गरीब आदमी, जवान, किसान